भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में मेयर सहित तीन शीर्ष पदों पर जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रविकांत शर्मा अब शहर के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने 27 में से 17 वोट हासिल करते हुए कुर्सी अपने नाम कर ली है। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा की गुटबाजी से उन्हें कहीं न कहीं फायदा पहुंचेगा और भाजपा में मेयर पद की टिकट न मिलने से नाराज चल रहे पार्षदों की वोट आसानी से उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मेयर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार रविकांत शर्मा के नाम की घोषणा हुई और पता चला कि उन्हें 17 वोट मिले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र बबला को 5 वोट ही मिले, जबकि 2 वोट ही इनवैलिड हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट करना ठीक समझा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में मतदान नहीं किया और सदन में हुई मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता पर भाजपा पर संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा दिए और कहा कि ये चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए। मतदान से पहले ही मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे जाने की बात कही थी, लेकिन वहां वोटिंग के समय पार्षदों के पास मोबाइल फोन थे और प्रिजाइडिंग अफसर आरएसएस के अजय दत्ता को बनाया गया, जो गलत था। उत्पात का डर है जो पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है, उसकी एक डर था हमें कि कैमरे ले जाए जाएंगे, पेन के द्वारा या रिंग के द्वारा या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा फोटोग्राफी होगी। आज वो सच साबित हो गया। किसी भी काउंसलर ने 2 मिनट से कम टाइम नहीं लगाया। एक स्टैंप लगाने में 2 मिनट नहीं लगते, आप भी लगा के देख सकते हैं। हमारे 5 काउंसलर ने वोट डाली, सेकेंडों में मोहर लगा के बाहर आ गए और आपने देखा होगा कि वो 2-2 मिनट तक लगे रहे। चाहे आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, हम लोग अंदर बैठे थे, ऊपर से साफ नज़र आ रहा था कि आज सभी महिलाओं को भी कोट पहना दिए उन्होंने, एक जैसे कोट पहनाए हुए हैं, दो-दो जेब के दो-दो पॉकेट हैं, सबके पास 4-4 3-3 मोबाइल थे। एक किधर से निकाल के देख रहे थे, किधर से निकाल के देख रहे थे जब बैठ रहे थे, उसी से हम पता चल गया। और कितने के मोबाइल बाहर रखे गए, बिल्कुल 0 के बराबर, कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर के चुनाव में इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें उनका पक्ष लेने पे मजबूर हुए। लेकिन अफसरों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नौकरी करनी है, नौकरी आप सरकार की करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारियाँ भी हैं। आप कोई चुनकर नहीं आते, आप पढ़ लिख कर आते हैं, आप एंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं, इसलिए आप इस तरह से संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं तो बेहतर रहेगा। आज सबसे पहले तो जब पहला ऑर्डर होता है कि आरएसएस के ही कार्यकर्ता मिस्टर दत्ता को प्रेजाइडिंग अफसर बना दिया जाता है, और आरएसएस की सोच आपको मालूम है कि क्या है, कि इस देश पे किस तरह से कब्जा करने की है, किस तरह से संवैधानिक संविधाओं से लेके और हर जगह पे उनका यही एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा कब्जा हो जाए। तो आज जिस तरह दत्ता साहब ने ये इलेक्शन करवाया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कि ऐसे प्रेजाइडिंग अफसर को तो कॉरपोरेशन से ही बाहर निकाल देना चाहिए। आज इतिहास बन गया है, इतिहास की इस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या, शरेआम अफसरों के साथ बैठने के और हमारे वहां पे गुहार करने के बावजूद अफसर शाही ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अगली बार भी जो अभी हुआ है यही अगली बार होना है, तो क्या फायदा, जब फिर इलेक्शन ही नहीं है तो इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है। हमारे कांग्रेस के 5 काउंसलर ने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी, जबकि भारतीय एक उनके ढिल्लो गुरप्रीत सिंह ढिल्लो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समेत, अरुण सूद जी समेत सब ने उसका विरोध किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इससे बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कम से कम जो मर्जी राजनीतिक विरोध हो उन बिलों के बारे में, लेकिन किसी की मृत्यु पे, शहादत पे उसके श्रद्धांजलि प्रस्ताव का भी विरोध करना, ये आज तक इतिहास में चंडीगढ़ के नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये लोगों के पास उनका चेहरा पहुँच चुका है कि वो किस तरह शहीदों को भी शहादत देने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पे बीजेपी के एक मिनट सर, बात यहाँ पर पीछे इतिहास रहा है, बीजेपी के पार्षदों की अगर बुआ भी मर गई है ना, तो उसका भी यहाँ पे 2 मिनट मौन रखा गया है और यहाँ पे 2 मिनट मौन रखा गया उनका, और जितने लोग मर गए वहाँ पे
और उनके लिए एक मिनट भी नहीं दिया। कदम क्या होगा बहिष्कार के बाद जी? सड़कों पे, सड़कों पे अब ये दिखाएंगे ना, दिखाएंगे सारा। इनके भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलेंगे, इनके फेलियर के चिट्ठे खोलेंगे। जो ये रेडी फड़ी लगवाने वाले लोगों को आज सत्ता पे बिठाया है, उनके सारे कच्चे चिट्ठे हम लोग खोलेंगे शरेआम सड़कों पे जाकर। जब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब हाउस, जब हाउस की, हाउस में इंसाफ ना मिले तो फिर सड़कों पे ही इंसाफ मांगना पड़ता है। जब से नॉमिनेशन फाइलिंग हुई थी, जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, आप लोगों को डे वन से इस चीज का शक था कि कुछ ना कुछ ऐसे ये लोग करेंगे। हाँ जी, यू हैव रिटर्न टू गवर्नर आल्सो, यू हैव गॉन टू पर्सनली मीट डीसी आल्सो, या फाइनली द थिंग्स हैपेंड। हाँ जी, उन्होंने लेटर निकाल दिया। आपको डे वन से इस चीज का पूरा अंदाजा था ये होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ना, पहले जो है इनका वो कैबिनेट सा बनता है, वो पहले वहां तक ले जाते थे, उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के रूल निकाले, ले भी कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि 2.5 फुट का वो होना चाहिए टेबल, और 2 फुट का जो है वो उसके ऊपर ये प्लाई नहीं लग सकती, कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड सिर्फ जो है यहाँ तक जो है वो दिखना चाहिए। इन्होंने वो भी जो है 5.5 फुट तक ले गए। उन्होंने ये सारी डायरेक्शन दी इसको अनिल गर्ग को, यस हमारे परव्यू में नहीं है जो चीजें गवर्नर का करवा लाते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो चीजें हमारे परव्यू में नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जिस ढंग से वो। हालांकि ये तो तय था कि कांग्रेस पार्टी को निगम चुनावों में जो उम्मीद थी वह कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, और 5 कांग्रेस पार्षदों के वोट के अलावा वो अन्य वोट नहीं पा सके। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि वह अपने आने वाले समय में भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठाएंगे। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।